Good morning, 8th class. This time I will take your English B section, and the topic I am taking today for you all is the sentences in which we will read about the simple, compound and complex sentences, and we will also differentiate what are simple sentences, compound sentences and complex sentences. So let's start our understanding. So before that, यहाँ पर आपको बताया है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में. तो नाउन जैसा आप जानते ही हैं, सो हम बात करेंगे अगर नाउन, नाउन तो आप जानते ही हो, इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग. तो एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड दैट मॉडिफाइड द मीनिंग ऑफ noun or which adds something to the meaning of noun. जो noun को modify करता है उसको आप adjective बोलते हो. और adverb क्या करता है? adjective को modify करता है. clause क्या होता है? छोटा के sentence जो आप अभी पढ़ोगे. ठीक है, सो अब आपको यहाँ पर sentence सीखना. बोला it was a cloudy night, no star visible. ये cloudy night थी और उस time पर कोई भी star visible नहीं था. तो ये कुछ examples हैं simple sentence की. तो simple sentence वो sentence होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? तो फाइनाइट वर्ब भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रेडी करके रखी है. तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसमें क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो उसका जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हो. और फाइनाइट वर्ब में अपना सब्जेक्ट होने के साथ साथ वो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है. तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन दी हुई है. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका लिमिटेड एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, और यहाँ पे इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, इसके यूजेज के अकॉर्डिंग. तो पहला ये है टेंस के अकॉर्डिंग. जब आपका सब्जेक्ट पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में टेंस परफॉर्म कर रहा है तो उसकी फाइनाइट वर्ब अलग होगी, उसमें चेंजेस आएंगी. ठीक है, सेकेंड आता है पर्सन. अगर सिंगल पर्सन है या थर्ड पर्सन है उसमें भी चेंज आएगा. फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है उसको आप क्या बोलते हो, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज आता है. तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो चेंज होगी एज पर द टेंस ऑफ द सेंटेंस, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगी या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी. ठीक है, तो ये था आपका जो फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट था. अब मैं जब इसके बाद आपको फर्दर इसके बारे में बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब तो वो होती है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और नेक्स्ट है, बहुत बार दो सेंटेंसेस को हम एक कंजक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं. जैसे एंड आ गया, एंड से हम सेंटेंस बनाते हैं. जैसे इट वाज अ क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वर विजिबल. हमने पहले जो दो सिंपल सेंटेंसेस थे हमने उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और बना दिया दो. यहाँ पर हमने उनको दो सेंटेंस बना दिया. ठीक है, एक सेंटेंस बना दिया था उनको छोड़ के. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, नाउ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विद फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज. क्लॉज क्या होती है? जिसके साथ अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है. और एक सेंटेंस जिसके साथ एक फाइनाइट वर्ब होती है या एक क्लॉज होती है उसको आप क्या बोलते हो, सिंपल सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है वो सेंटेंस का पार्ट जिसके साथ एक फाइनाइट वर्ब होगी या उसमें एक ही क्लॉज होगी उसको आप क्या बोलते हो, सिंपल सेंटेंस. तो वो सेंटेंस जिसके साथ मोर देन वन क्लॉज होती है, ठीक है, वो सेंटेंस जिसके साथ दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होती है उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आप बोलते हो. अब हमने पहचानना ये है कंपाउंड कौन सा होगा और कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा. ठीक है, सो हम अगर बात करें यहाँ पे, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे, हम जितना भी आज डिस्कस करेंगे ये सब का सब जो होगा एलिमेंट्री आइडिया होगा. मैं इसको और डिटेल्स में और अच्छे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा. एटलीस्ट दो लेक्चर में आपको दो टर्मों में और इसकी थ्योरी अच्छे से आप पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट है कि वो सेंटेंस जिसके साथ एक एक क्लॉज होगी, एक से ज़्यादा क्लॉज होगी उसको आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और इनको अब कंपाउंड सेंटेंस बोलते हो. कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिनमें क्लॉजेज जुड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी आएंगी, जैसे एंड और नॉर बट बाय या आल्सो. ठीक है, इससे जुड़ेंगी तो क्या बोलोगे, कंपाउंड. ठीक है, सो कंपाउंड सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो
ये जुड़ती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जैसे एंड, और, नॉर, बट, वाइल, ऑल्दो। ठीक है, सो हम बात करेंगे कि यहाँ पे दो से ज़्यादा क्लॉजेज मैंने बोल दिया आपको, या दो से ज़्यादा, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा दो क्लॉजेज जुड़ी होती है तो क्या वो कंपाउंड नहीं है? नहीं, वो भी कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होती है। ठीक है, जैसे इट वॉज अ क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वर विजिबल बट वी डिसाइडेड टू गो बैक। वो कह रहा है वो क्या थी? क्लाउडी नाइट थी एंड नो स्टार्स वर विजिबल, दूसरी क्लॉज। तीसरी क्लॉज, बट वी डिसाइडेड टू गो बैक। ठीक है, सो यहाँ पे हम तीन क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, और किससे ज्वाइन कर रहे हैं? एंड और बट से, और एंड और बट दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब जितनी क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस में होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप देखो इट वॉज अ क्लाउडी नाइट, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। नो स्टार्स आर विजिबल, ये भी इंडिपेंडेंट है। वी डिसाइडेड टू गो बैक, ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये इसका कंप्लीट मीनिंग है खुद में ही। ठीक है, तो इसीलिए इनको हमने ज्वाइन किया कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से, एंड और बट, तो इसीलिए ये सेंटेंसेस कौन से आगे? कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, जैसे द प्लेयर्स वॉक इन टू द फील्ड, प्लेयर्स फील्ड पे आ गए, जब आ गए तो वो कंप्लीट सेंटेंस है, दैट इज व्हाई दिस क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आता है व्हेन द रेफरी ब्लू द विसल, जब रेफरी ने विसल को ब्लू किया, तो ये कौन सी आ गई? डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, सो इस एग्जांपल पे प्लेयर्स फील्ड पे आए, वो जो था इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, और जो दूसरी क्लॉज थी वो आ गई डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के तीन नाम होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, प्रिंसिपल क्लॉज आ जाती है, या मेन क्लॉज बोला जाता है इसको। ठीक है, लेकिन जो क्लॉज डिपेंड करती है किसी और चीज़ पे, वो डिपेंडेंट भी होती है, सबऑर्डिनेट भी होती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट भी है और डिपेंडेंट क्लॉज भी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में द प्लेयर्स वॉक्ड इनटू द फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और व्हेन द रेफरी ब्लू द विसल कौन सी है? डिपेंडेंट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, सो इस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। जैसे अ गेस्ट इज अनवेलकम, अ गेस्ट इज अनवेलकम, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या मेन क्लॉज कह सकते हो आप। व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, जब वो ज़्यादा देर तक रुकता है, तो ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है ये कौन सी है? डिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो है ये कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट पे अटेंशन, पे अटेंशन तक जो भी है वो कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाले जो है डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट ही इज़ अ मैन हु वॉन द कॉम्पिटिशन, ही इज़ द मैन जो है, अब वो एक इंसान है, वो एक मर्द है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये हु वॉन द कॉम्पिटिशन, ये कौन सी है? डिपेंडेंट क्लॉज। सो फर्दर इसको आगे हम और डिस्कस करें अगर इसकी एग्जांपल्स को। इफ़ यू हैव टेयर्स प्रिपेयर टू शेड द नाउ, वो कह रहा है अगर तुम्हारे पास टेयर्स हैं प्रिपेयर टू शेड द नाउ। ठीक है, सो यहाँ पर जो अंडरलाइन यहाँ पे है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द डिपेंडेंट क्लॉज हैज बीन अंडरलाइन, यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज उन्होंने अंडरलाइन किया है। तो नेक्स्ट, आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू, आई शैल हेल्प यू जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई लाइक यू डिपेंडेंट क्लॉज है। ही स्पोक इन अ लो वॉइस, अगर आप देखो ही स्पोक इन अ लो वॉइस, उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, ये कंप्लीट क्लॉज है, तो इसीलिए ये कौन सी आ जाएगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद दैट वी शुड हेयर हिम, तो ये कौन सी आ गई? डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड,
अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम सक्सीड जरूर होंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड जो है वो कौन सी क्लॉज आ गई, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर जो क्लॉज है वो कौन सी आ गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ़ यू वर्क हार्ड जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इससे एक और चीज़ प्रूव होती है कि ज़रूरी नहीं है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हर बार सेंटेंस के एंड में होगी, नहीं, वो सेंटेंस के मतलब स्टार्ट के सेंटेंस में भी हो सकती है, स्टार्ट की क्लॉज में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं, आप बात अगर समझ नहीं आई होगी देख लो, ये एक मतलब क्लॉज है जो आपके सेंटेंस के एंड में आ रही है, लेकिन ये एक क्लॉज है जो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही है। तो ये यहाँ पर कौन सी है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिपेंडेंट, यहाँ पे भी डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट एंड में आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि डिपेंडेंट बहुत बार पहले भी आ जाती है इंडिपेंडेंट से, ठीक है। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको मेन क्लॉज अंडरलाइन करके बताइए उनमें। जैसे आई थिंक, यहाँ पे जो आई थिंक है ये कंप्लीट सेंटेंस है, मैं सोचता हूँ। दैट ही हैज़ लॉस्ट द बुक विच यू गेव हिम, वो बुक खो चुका है जो तुमने उसको दी थी। कि यहाँ पे जो इसका सेंटेंस है दैट का मतलब की बन जाता है, तो इस तरीके से ये है। ही रिप्लाइड, ये भी सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है। दैट ही वुड प्ले व्हेन द रेन स्टॉप्ड, तो ये कौन सा आ गया, ही रिप्लाइड जो आ गया वो आ गया इंडिपेंडेंट, और दैट ही वुड प्ले व्हेन द रेन स्टॉप्ड कौन सा आ गया, डिपेंडेंट। एवरीवन, एवरीवन जो है वो यहाँ पे, एवरीवन हु नोज़ यू, एवरीवन हु नोज़ यू अप्रिशिएट्स योर एफर्ट, तो यहाँ पे अप्रिशिएट्स योर एफर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, और एवरीवन हु नोज़ यू जो है डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सेंटेंस को देखना है किस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बढ़ रहा है। जिस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बढ़ेगा वो कौन सा होगा, मेन क्लॉज, और जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा वो कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या करती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है। एज सेंटेंसेस को आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आई विल ऑल्सो टेक दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक वेरी वेल। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।